जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह, जिस फिल्म को 12 अगस्त को Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाना है। इस फिल्म का ट्रेलर अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुआ और ट्रेलर देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म में वो सब कुछ मसाला है जो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बना सकता था। जी हाँ दोस्तों, अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती तो यकीन मानिए शेरशाह फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होती और बॉक्स ऑफिस पर कम से कम 200 करोड़ की कमाई तो जरूर करती। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह फिल्म में वो सब कुछ है जो कि इस तरह की फिल्मों से हम उम्मीद करते हैं। फिल्म एक वार ड्रामा फिल्म है जहां पे हमें कारगिल युद्ध देखने को मिलेगा और इस फिल्म में किस तरह से विक्रम बत्रा अपनी जान देते हैं और देश की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उनकी शहादत बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में जितने भी एक्शन सिक्वेंस है काफी कमाल के हैं। पहला ही सीन है जहां पे सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री होती है और उस सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं, लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ऊपर से गोला बारूद बरसता है और नीचे जितने भी बने हुए क्या वो तंबू में जो घर बने हुए रहते हैं वो धड़ाधड़ उड़ते हैं। उस वाले सीन्स में आप देखिए कि जो विजुअल है, जो वीएफएक्स है, कितने टॉप लेवल के हैं। इस तरह के वीएफएक्स और विजुअल को अगर आप बड़े पर्दे पर देखते तो ये फिल्म आपके रोंगटे खड़े कर देती, लेकिन आप छोटी स्क्रीन पर देखने में बहुत दुख होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे सिद्धार्थ मल्होत्रा को जितने भी लोग ट्रोल करते हैं कि बंदे के एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस ट्रेलर में देखो आप, सिद्धार्थ मल्होत्रा स्वीट और इनोसेंट लड़के के रूप में भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। साथ ही साथ जब वो युद्ध करते रहते हैं और जब वो फायरिंग करते हैं उस वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, अलग ही लगता है कि बंदे ने अपने एक्टिंग में इस फिल्म में काफी कमाल काम किया है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रेलर में कियारा आडवाणी काफी खूबसूरत लग रही है एक पंजाबी लड़के के किरदार में, और कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो केमिस्ट्री है काफी बेहतरीन है। मतलब कि यूं लगता है कि ये फिल्म में कपल नहीं बने, रियल लाइफ में कपल बन गए हैं, इस तरह की इनकी केमिस्ट्री ट्रेलर में नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें इस ट्रेलर के बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो बैकग्राउंड म्यूजिक से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ट्रेलर में बैकग्राउंड के एकदम कमाल का होगा, लेकिन दोस्तों यहां पे जो ट्रेलर का बीजीएम है वो थोड़ा सा निराश करता है। अगर इस ट्रेलर के अंदर बीजीएम और भी सॉलिड होता तो ट्रेलर चार चांद लगा देता, लेकिन दोस्तों फिर भी यहां पे सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पूरे ट्रेलर में जान डाल दी है अपने दमदार एक्टिंग के साथ में। तो दोस्तों, ट्रेलर देखते वक्त आपके रोंगटे भी खड़े होते हैं, देशभक्ति की भावना भी आती है और कुछ एक सीन पर आप थोड़े इमोशनल भी हो जाते हो। साथ ही साथ कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की केमिस्ट्री थोड़ी रोमांटिक टाइप के दिखाई है। ट्रेलर में एक किस सीन भी है जो कि ये दावा करता है कि भैया फिल्म में आपको सिर्फ एक्शन, वार, इसके अलावा रोमांस भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पे शेरशाह का ट्रेलर मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया और मैं इस ट्रेलर को दूंगा 5 में से 4 स्टार। अगर आपने शेरशाह का ट्रेलर देखा तो यह ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।